हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस, द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग का स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, जैसा कि इस सीरीज के हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे बोंगली घायल होने का नाटक कर रहा था, जबकि उसे कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा उसी ने सारे असैसिन के ठिकाने लगा दिए थे। अब इस एपिसोड में हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हम देख रहे होते कि वो स्कूल से छुट्टी लेकर मस्त घर पर रेस्ट कर रहा होता है। उसने घायल होने का नाटक जो किया था, इस बात को लेकर बेचारी सुमरोंग भी बहुत ही परेशान हो गई थी। इसीलिए यहाँ सुमरोंग ने वोंगली के लिए बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाया था, और तो और वोंगली के लिए उसने एक प्राइवेट हीलिंग कैबिन भी बनवा दिया था, जिसमें हम देखते हैं कि वोंगली के ऊपर हर घंटे मेडिसिन स्प्रे किया जाता था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वोंगली की मॉम यहाँ पे खाना लेकर आती है और वोंगली से कह रही होती है कि कब तक नाटक करोगे, 10 दिन हो चुके हैं, अब तुम सभी को बता दो कि तुम ठीक हो चुके हो और अब स्कूल जाना भी स्टार्ट कर दो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वोंगली के सारे दोस्त उसके घर पे आ जाते हैं और यहाँ वो उसकी मॉम से आकर कहते हैं कि हमें वोंगली को देखने के लिए स्कूल की तरफ से भेजा गया है। यहाँ चेंचा वोंगली से पूछता है कि कैसे हो मेरे भाई, सब चंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि गुआ अपना एक बर्ड लाया था, जिसे दिखाकर वो वोंगली को कहता है कि ये मेरा पेट बर्ड है। हम देखते हैं वो बर्ड भी उड़कर वोंगली के ऊपर जाकर बैठ जाता है। वोंगली उस चिड़िया को देखकर सोच रहा होता है कि ये गुआ बिना किसी भी चीज को पेट बना लेता है। यहाँ चेंचा वोंगली का ये कहकर मजाक उड़ा रहा था कि तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल उस बर्ड से मिल रही है। तभी यहाँ अचानक से सुमरोंग बोलती है, मैं तो फ्रॉगी को घर के दरवाजे पे ही भूल गई। तभी हम देखते हैं कि वोंगली की मॉम सभी के लिए यहाँ पे कुछ खाने के लिए ले आती है। सुमरोंग यहाँ अपने मन में सोच रही होती है कि यही मौका है वोंगली की मॉम को इम्प्रेस करने का। फिर यहाँ सुमरोंग कहती है कि मिसेस वोंग, ये एक अल्टीमेट एलिक्सर है और ये मेरे फैमिली की कंपनी में ही बना है, ये मैं खास आपके लिए लाई हूँ और ये वोंगली के हेल्थ को भी ठीक करने में बहुत हेल्प करेगा, और ये इसके साथ मैं कुछ न्यूट्रिशन पिल भी लाई हूँ जो कि मैंने आपको पहले भी दिया था। और हाँ, एक चीज और, यह है चिकन टॉनिक इंजेक्शन, इस इंजेक्शन को लेकर तो वोंगली बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अब फिर हम देखते हैं कि सुमरोंग वोंगली के पास आकर उसके तबीयत के बारे में पूछने लगती है। यहाँ चेंचा और गुआ वोंगली को बता रहे होते हैं कि इस पागल लड़की ने तो तुम्हारे घर के बाहर हेलीकॉप्टर लाके खड़ा कर दिया है कि कहीं तुम्हें इमरजेंसी में कहीं जाना ना पड़े। यहाँ दूसरी तरफ हम देख रहे होते कि सुमरोंग तो वोंगली को इंजेक्शन देने का प्लान कर रही थी। फिर यहाँ चेंचा वोंगली को एक रिस्ट बैंड देकर कहता है कि ये टीचर ने तुम्हें देने को कहा था, जिसको देखकर वोंगली पूछते है कि ये क्या है, जिसपे चेंचा बताता है ये एनुअल स्पिरिचुअल पावर टेस्टर है। इतने में ही सुमरोंग चिल्लाते हुए कहती है, वोंगली का यहाँ हेल्थ ठीक नहीं है और तुम उसे टेस्ट देने को कह रहे हो। तभी यहाँ पे गुआओ कहता है, चलो इसे इंजेक्शन देकर देखते हैं कि ये ठीक होता है या नहीं। यहाँ सुमरोंग उसे इंजेक्शन देने जा ही रही होती है, लेकिन यहाँ वोंगली बिल्कुल भी इंजेक्शन लेना नहीं चाहता था। वोंगली यहाँ फट से खड़ा होकर चेंचा से वो रिस्ट बैंड ले लेता है और कहता है, देखो मैं फिट हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो तुम लोगों को बताने वाला था कि मैं कल से स्कूल भी आने वाला हूँ। अब हम देख रहे होते कि यहाँ पे सबसे पहले चेंचा टेस्ट देकर बता रहा होता है और चेंचा यहाँ पे कहता है कि तुम्हें अपने स्पिरिचुअल फोर्स को एक स्फीयर में कंसंट्रेट करना पड़ेगा। देखो, जैसा कि मेरे स्फीयर का डायमीटर 600 सेंटीमीटर के बराबर है। जिसपे गुआवाओ कहता है, तुम्हारा तो एंट्रेंस एग्जाम में भी इतना ही फोर्स आया था ना, तो फिर स्कूल वाले दोबारा से टेस्ट क्यों ले रहे हैं। जिसपे चेंचा कहता है कि नहीं नहीं, ये वो फोर्स है जो तुम्हारे बॉडी के बाहर होता है, ये सब कोई आम कल्टिवेटर नहीं कर सकता, इसके लिए तो बहुत ही ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आसान भाषा में मैं तुम्हें समझाऊं तो इसका मतलब है कि तुम अपने स्पिरिचुअल फोर्स को कोई भी शेप और साइज दे सकते हो, लेकिन ऐसा कोई तभी कर पाएगा जब वो अपने पावर और स्पिरिचुअल फोर्स को विजुअलाइज कर पाएगा। दूसरे सीन में हम देख रहे होते हैं किसी दूसरे स्कूल के बच्चे यही सेम टेस्ट दे रहे होते हैं। इनमें से एक लड़का जिसका नाम लियांग सिंह होता है, हम देख रहे होते हैं कि उसका स्कोर 1950 आया था। तभी वहाँ दूसरा खड़ा बंदा भी टेस्ट देता है और उसका स्कोर था 4379, जो कि अब तक का बेस्ट स्कोर था। उस लड़के ने मास्टर जुओ का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। और यहाँ पे हमें इस लड़के का नाम पता चलता है जो कि था टांग सिंह। इसका स्कोर देख के वहाँ खड़े बाकी के स्टूडेंट काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तो बेस्ट स्कोर है अभी तक का, ये है हमारे स्कूल के चेयरमैन की पावर, आने वाले कॉम्पिटिशन में हमारा स्कूल फैक्शन 59 ही जीतेगा। दूसरी तरफ यहाँ पे गुआओ अपना टेस्ट देता है और उसका स्कोर आया था सिर्फ 179। यहाँ पे गुआओ अपना स्कोर देखकर 3 इडियट्स का राजू बन जाता है, यानी वो चला खिड़की से कूदने। इन चेंचा भैया पीछे से जाकर गुआओ को यहाँ पे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे सुमरोंग की बारी थी और इसका स्कोर हम देखते हैं जो कि आया था 4015। और इसी तरह सुमरोंग का स्कोर उस लीडर बोर्ड के सेकंड नंबर पे आ जाता है। ये देखकर दूसरे स्कूल के बच्चे बहुत ही हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे अब वोंगली की बारी थी। यहाँ पे वोंगली सोच रहा होता है कि मैंने तैयारी तो नहीं की, लेकिन मैं किसी तरह से एग्जीक्यूट कर लूंगा। यहाँ हम देख रहे होते कि वोंगली अपना स्फीयर अर्थ के बाहर ही भेज देता है, क्योंकि उसका स्फीयर इतना बड़ा था कि वो पूरे अर्थ को जला सकता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वोंगली का स्कोर आता है नल। सभी यहाँ सोच रहे होते कि ये नल का मतलब क्या होता है, क्या ये जीरो है। तभी हम देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे वोंगली का नंबर सबसे ऊपर आ जाता है। यहाँ फैक्शन 59 के बच्चे भी सोच रहे होते कि कहीं ये कोई ग्लिच गड़बड़ तो नहीं। तभी वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है कि शायद ये सिस्टम फेलियर की वजह से हो गया होगा। यहाँ हमें समझ में आ रहा होता है कि वोंगली ने अपना स्फीयर अर्थ के बाहर तो फेंक दिया था,
लेकिन तब भी उसके पावर बैंड ने उसका पावर लेवल डिटेक्ट कर लिया था। यहाँ वोंगली कह रहा होता है कि ये रिस्ट बैंड ही मुझे खराब लग रहा है। तभी चेंशो कहता है कि मुझे तुम अपना असली पावर दिखाओ वोंगली, और फिर हंसते हुए कहता है अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम भी सीरियस हो रहे हो। फिर यहाँ पे सभी लोग वोंगली के घर से जा रहे होते हैं। यहाँ से जाते हुए गुआओ कह रहा होता है कि मेरा बस चले तो मैं सिस्टम में हैक करके अपना स्कोर बदल दूँ, जिसे कि वोंगली सुन लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ देख रहे होते हैं यहाँ पे वोंगली सच में गुआओ को सिस्टम हैक करने को कह रहा होता है, और गुआओ भी ठीक ऐसा ही करता है। वोंगली यहाँ गुआओ से उसका स्कोर कम करने को कह रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा 175 कर दो, वो सही रहेगा। दूसरी तरफ फैक्शन 69 के स्टूडेंट भी सिस्टम को हैक कर रहे थे, उन्हें भी वोंगली का स्कोर जानना था। यहाँ पे गुआओ सिस्टम का पासवर्ड नहीं निकाल पा रहा था, जिससे कि वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तभी यहाँ पे वोंगली अपना मैजिक का यूज करके कुछ भी की दबा देता है, जिससे कि वो सिस्टम सही में अनलॉक हो जाता है। दोनों पार्टी को पता चल चुका था कि सिस्टम में कोई हैकर घुसा हुआ है। यहाँ पे ये लड़की कह रही होती है दूसरा हैकर बहुत ही ज्यादा छेड़छाड़ कर रहा है, इससे अलार्म ट्रिगर हो सकता है। टांग यहाँ पे कह रहा होता है अगर हम पकड़े गए तो हम पक्का स्कूल से निकाले जाएंगे। गुआओ यहाँ पे जब टैंक का नाम पड़ता है तो उसे वो बंदा याद आ जाता है जो कि बहुत ही खड़ूस और एरोगेंट था। वो यहाँ कह रहा होता है कि सुनने में आया कि वो एग्जाम को पास करके फेमस स्कूल फैक्शन 69 को ज्वाइन किया है, चलो देखते हैं कि तुम अभी भी खड़ूस हो या नहीं। दूसरी तरफ वो लड़की कह रही होती है हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, ये बेवकूफ हैकर डाटा में कुछ चेंजेस कर रहा है। तब यहाँ पे सच में अलार्म ट्रिगर हो जाता है और ये दोनों हैकर टाइम रहते हुए सिस्टम से निकल जाते हैं। वोंगली यहाँ गुआओ से कह रहा होता है अरे तुमने तो मेरा स्कोर ही चेंज नहीं किया, कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे। जिस पे गुआओ कहता है अरे टेंशन मत लो, मैं एक एक्सपर्ट हूँ, हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ टांग जी अपना जब नाम चेक करता है तो वो देख रहा होता है कि उसका नाम हो गया था टांग बर्डी 2, जो कि गुआओ ने ही चेंज किया था। तभी फैक्शन 69 के बाकी के स्कूल के बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं और टैंक का नाम को देखकर उसका हंसी उड़ाने लगते हैं। वहाँ पे खड़ा एक बंदा टैंक से कह रहा होता है कि एक बंदा जिसका स्कोर तुमसे कम है वो गुस्से में तुम्हारा नाम ही बदल कर चला गया, और फिर वहाँ सभी लोग उसके मजे लेने लगते हैं। तभी वहाँ पे खड़ी लड़की कह रही होती है अगले महीने जो शॉर्ट कंपटीशन होने वाला है शायद हम फैक्शन 60 के दो स्टूडेंट से मिल पाए। जिस पर टैंक कहता है कि बिल्कुल हम डेफिनेटली मिलेंगे उनसे, बस सही टाइम आने दो, मैं अपना सही पावर दिखाऊंगा उन फैक्शन 60 वालों को, और मैं देखना चाहूंगा कि असली में उनमें कितना दम है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ओके बाय।